तमाम से पुरखलोस गुजारिश है कि अपने अपने नशिस्तों पर बैठ जाए और जो है पुरसकून और इत्मीनान के साथ जनाब बैरिस्टर अलहाज अतउद्दीन अवैसी साहब आप तमाम हजरात के सामने कुछ ही देर के अंदर आप जलवे अफरोज होंगे। आप तमाम से गुजारिश है कि धक्कम धुक्की ना करते हुए दोस्तों इत्मीनान बनाए रखिए। दोस्तों मेरी सबसे गुजारिश है आप नकीब मिल्लत को सुनने आए हैं, अमन सुकून बनाए दोस्तों। ऐजान मिल्लत आप लोगों से अदबन गुजारिश की जाती है कि नज़्म व ज़ब्त का मुजाहरा करें। ऐजान मिल्लत सदर जलसा मौजूद हैं, आप लोगों से अदबन गुजारिश की जाती है कि नज़्म व ज़ब्त क़ायदुल मुस्लिमीन से अदबन गुजारिश की करता हूं कि वो आपसे मुखातिब करें। मोहतरम अली जनाब शाकिर पटनी साहब, आप लोग पूरे बैठे बैठे, उधर देखो उधर ही उधर। ओ मोइन भाई तुम बैठो ना यार, ठीक है रुके उधर बैठिए, बैठ जाइए। ये हुसैन बैठना, बैठो उधर, अरे बैठना, अपना काम करा दीजिए, बैठिए रुक जाइए। मुकदम करता हूं उन मौजूद हजरात का जिन्होंने राष्ट्रवादी कांग्रेस को छोड़कर मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में शमूलियत इख्तियार की। मैं दिल की गहराइयों से जनाब कमर भाई साहब का, शब्बीर साहब का, वसीम सैयद का और नासिर पठान साहब का शुक्रिया अदा करता हूं। मेरे भाई अगर यहां से दोबारा आवाज आएगी तो मैं जाकर अपनी कुर्सी पर बैठ जाऊंगा। मैं आप लोगों से मुखातिब हूं, यहां से आवाज नहीं आएगी वरना मैं जाकर बैठ जाऊंगा, जलसा नहीं होगा। अगर आपको तकलीफ हो रही तो आप थोड़ा बाहर हट के बैठ। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अजीजाने मिल्लत, इस जलसे में तशरीफ फरमा बुजुर्गाने मिल्लत, मेरे गयूर नौजवान साथियों, पसे पर्दा बैठकर सुनने वाली मेरी इज्जतदार और माँ और बहनों, मैं सियासी गुफ्तगू करने से पहले मैं ये समझता हूं कि मेरी दीनी और अखलाकी जिम्मेदारी है कि मैं उस मौजू पर आपसे बात करूं और जिसका जिक्र करना निहायत ही अहम है और मौजूदा मुल्क के हालात और मरकज में बैठी हुई एक जालिम हुकूमत के साजिश और मंसूबों का इजहार करना बेहद जरूरी है जो हिंदुस्तान के गयूर 17 करोड़ तौहीद परस्त लोगों की शनाख्त को खत्म करने पर और हमको अल्लाह और उसके रसूल के दिए हुए कानून से दूर करने के लिए मरकजी हुकूमत हिंदुस्तान में यकसा सिविल कोर्ट के नाम पर
हमारी शनाख्त को खत्म करने की एक कोशिश कर रही है। और मैं आपकी तवज्जो इसलिए चाहूंगा कि सारे मुल्कगीर पैमाने पर पूरे मुल्क में जिस किसी के दिल में और सीने में धड़कता हुआ दिल है, जिस नौजवान के पास उसके सीने में इस बात की अगर वो तकलीफ महसूस कर रहा है कि मेरी शरीयत को मुझसे छीना जा रहा है, जिस ज़ईफ हमारे बुजुर्गों के धड़कते हुए सीनों में जिनकी जिंदगियां 70-75 साल को पहुंच चुकी हैं, आज इनके दिलो दिमाग में एक सवाल ये पैदा हो रहा है कि क्या यहां पर मुझसे मेरी शनाख्त को छीन लिया जाएगा। मेरी गयूर माँ और बहने आज इस सोच और फिक्र में मुब्तला है कि क्या हमसे हमारी पहचान और हमारी शनाख्त को खत्म कर दिया जाएगा। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, असदुद्दीन ओवैसी आपके दरमियान में खड़े होकर इस बात का इजहार कर रहा है कि आज मरकजी हुकूमत जिसकी क्यादत वजीर आजम नरेंद्र मोदी कर रहे हैं, वो हिंदुस्तान में न सिर्फ मुसलमानों पर यकसा सिविल कोड को नाफिज करने की कोशिश कर रहे हैं, बल्कि वो हिंदुस्तान के प्लुरलिज्म को, हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को, हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी को खत्म करने का एक मुनज्जम इरादा कर चुके हैं। यकसा सिविल कोड का निफाज मेरे भाई सिर्फ मुसलमानों के लिए तकलीफ दे बात नहीं होगी, बल्कि तकलीफ दे बात हिंदुस्तान के हर शहरी के लिए होगी जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म से मोहब्बत करता है, जो हिंदुस्तान की डाइवर्सिटी की इज्जत करता है। आज असदुद्दीन ओवैसी उन तमाम गयूर हिंदुस्तानियों से भी कह रहा है कि जागो, आज वक्त आया है जागने का। अगर आज तुम अपने आंख और दिलो दिमाग को खोलकर मरकजी हुकूमत की साजिश को नहीं समझोगे तो याद रखो, आने वाली नस्ल तुम हम तमाम को कभी माफ नहीं करेगी। वो आने वाली नस्ल हमसे सवाल कर रही है कि इस मुल्क को आजाद कराने के लिए हिंदुओं ने, मुसलमानों ने, दलितों ने, ईसाइयों ने, सिखों ने, सबने मिलकर अंग्रेजों से इस मुल्क को आजाद कराया, सबने मिलकर अपनी जानों को कुर्बान किया, सबने मिलकर जेलों की सोबतों को बर्दाश्त किया, सबने मिलकर अंग्रेजों की लाठियों का शिकार हुए, सबने अपने आंखों के सामने अपने अजीजों की लाशों को देखा। सन 57 की जंग आजादी के मुजाहिदीन, मुमरा के गयूर नौजवानों, मेरे इज्जतदार माँ और बहनों, अगर अल्लाह सन 57 के उन मुजाहिदीन की रूहों को आवाज देगा तो अल्लामा फजल खैराबादी की रूह मुमरा के गयूर नौजवानों को पुकार रही है कि नौजवानों याद रखो, इस मुल्क को आजाद संघ परिवार ने नहीं किया, इस मुल्क को आजाद हमने किया और इसलिए किया कि तुम्हारी शरीयत सुनता है। अगर अल्लाह उन 57 के जंग आजादी के मुजाहिदीन की रूहों को आवाज देगा तो उनकी रूहें तुम तमाम से पुकार कर कह रही है कि हमने रेशमी रूमाल की तहरीक का आगाज इसलिए किया था कि जब मुल्क आजाद हो जाएगा अंग्रेजों से तो हम अपनी मस्जिदों को आबाद रखेंगे, हम शरीयत पर चलेंगे, इस मुल्क के सेकुलरिज्म को जिंदा रखेंगे। आ मेरे नौजवानों, मेरे बुजुर्गों, मेरी इज्जतदार माँ और बहनों, हिंदुस्तान के गयूर हिंदुस्तानियों, ओवैसी तुमसे भी मांग रहा है कि बचा लो इस मुल्क को, इस मुल्क को बचाना है ऐसी ताकतों से जो हिंदुस्तान के सेकुलरिज्म को खत्म करना चाहते। ये लड़ाई मेरी नहीं है, ये लड़ाई तुम्हारी नहीं है, ये लड़ाई मस्जिद को बचाने की नहीं है, ये लड़ाई शरीयत को बचाने की लड़ाई जरूर है, मगर ये लड़ाई हर हिंदुस्तानी को लड़ने की जरूरत है, उस हिंदुस्तानी को लड़ने की जरूरत है जो इस मुल्क की खूबसूरती को बचाना चाहता है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों, इस मुल्क की खूबसूरती क्या है? इस मुल्क की खूबसूरती ताजमहल नहीं है,
इस मुल्क की खूबसूरती लाल किला नहीं है, इस मुल्क की कोहिस्तान कुतुब मीनार नहीं है। यकीनन ये हमारे असलाफ की यादगार की निशानियां हैं जो पुकार पुकार कर तुमसे कह रही हैं कि तुमने सरजमीन पर जहां बानी और हुकूमत की, तुमने सरजमीन पर किसी पर जुर्म नहीं किया, मगर इस मुल्क की पहचान, इस मुल्क की खूबसूरती इसका सेकुलरिज्म है। इस खूबसूरती को अगर बचाना है मेरे भाई तो इस मुल्क को बचाना पड़ेगा ऐसी ताकतों से जो हिंदुस्तान को कमजोर करना चाहते हैं। आज हमसे कहा जाता है कि आप अपनी मुस्लिम औरतों पर जुल्म करते हैं। मरकजी वजीर वेंकैया नायडू कहते हैं कि मुसलमान औरतों को इंसाफ होना चाहिए। मरकजी हुकूमत नरेंद्र मोदी की हुकूमत, सुप्रीम कोर्ट ने अपना काउंटर एफिडेविट आयत कर डालती है और डाल कर ये कहती है कि मुस्लिम औरतों से इंसाफ करना हमारा मकसद है, मुस्लिम खवातीन को उनका मुकाम मिलना हमारा मकसद है। ठीक है, अगर तुम्हारा मकसद हिंदुस्तान के मुसलमान औरतों से इंसाफ करना है तो मैं अगर ये बात कहूंगा तो यकीनन मेरी इस बात में मेरी इज्जतदार मां और बहनों की हामी होगी। मैं जो बात आपके सामने रख रहा हूं, मेरी आवाज हिंदुस्तान के कोने कोने में जहां तक जाएगी, चाहे आज जाए, कल जाए या परसों जाए, मेरी इज्जतदार मां है उसमें हामी भरेगी कि मैं ये कह रहा हूं कि अगर हुकूमत हिंदुस्तान के मुसलमान खवातीन की इंसाफ के लिए काम कर रही है तो मुमरा के इस गली कूचों में, इस बिल्डिंग में रहने वाली माएं नरेंद्र मोदी से पुकार पुकार कर कह रही हैं कि हिंदुस्तान के वजीर आजम, अगर तुम मुसलमान औरतों से इंसाफ करना चाहते हो तो इशरत जहां की मां से तुम पहले इंसाफ करो, इशरत जहां की मां से इंसाफ करो। और इंसाफ यही करना है कि जो गुजरात के हाई कोर्ट में केस चल रहा है, मिस्टर मोदी आप केस रोज चला दो, दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा, कौन टेररिस्ट था कौन टेररिस्ट नहीं था मालूम हो जाएगा। अगर नरेंद्र मोदी हिंदुस्तान के मुसलमानों की औरतों से इंसाफ करना चाह रहे तो जितनी जईफ औरतें आज इस बिल्डिंगों में बैठकर इस मजलिस के जलसे को सुन रही हैं, जहां तक मेरी आवाज जा रही है तो उन तमाम खवातीन की तरफ से, मेरी मां और बहनों की तरफ से मिस्टर मोदी असदुद्दीन ओवैसी तुमसे कह रहा है कि ज़किया जाफरी से भी इंसाफ कर दो। वो औरत भी इंसाफ के लिए तड़प रही है, वो ज़किया जाफरी जो ऐसी बिल्डिंग थी, इसी बिल्डिंग में जाकर जब बना ली थी ज़किया जाफरी, उसकी आंखों के सामने एहसान जाफरी को मार दिया गया। मिस्टर मोदी आपको याद होगा ना, मिस्टर मोदी या आप भूल गए हैं हिंदुस्तान के वजीर आजम, आप हिंदुस्तान के तख्त पर बैठकर हिंदुस्तान की सल्तनत के 2019 तक तो बादशाह बने हैं, मगर तख्त पर बैठने वाले बादशाह इंसाफ की जवाब बात करेंगे तो इंसाफ मजलूम से शुरू होता है और हिंदुस्तान में सबसे बड़े मजलूम ज़किया जाफरी से इंसाफ करो। और जो लोग इंसाफ की बात आज कर रहे हैं तो मुझे वो करबला का वाकया भी याद आ रहा है कि यजीद भी यही समझता था कि मैं नवासे रसूल को मार कर इंसाफ कर रहा हूं, तो सुन लो वक्त के लिए यजीद से हम कहना चाह रहे हैं, वक्त के नमरूद और फिरौन से हम कहना चाह रहे हैं कि तुम्हारा जुल्म वक्त यह होगा, तुम्हारा खातिमा बरक है इंशाअल्लाह, तुम्हारा खातिमा बरक है इंशाअल्लाह ताला। तारीख के सफार गवाह है कि इख्तदार जिसके पास था और उसने इख्तदार के नशे में जुल्म करना शुरू किया तो अल्लाह हर चीज को बर्दाश्त करता है, अल्लाह अपनी मखलूक पर जुल्म को कभी बर्दाश्त नहीं करता। और इंशाअल्लाह ताला आज ये लोग जो
जो बड़ा सीना तान तान करम से कह रहे हैं कि मुस्लिम कवातीन के इंसाफ के लिए हम ये कर रहे हैं, मैं इनसे पूछना चाहता हूं, मैं बीजेपी से पूछना चाहता हूं, जरा ये तो बताइए कि आप ये कहते हैं कि मुस्लिम औरतों पर जुल्म हो रहा है, मुसलमान अपनी बीवियों को तलाक दे रहे हैं। मेरे भाई, हुकूमत के फिगर हैं, नरेंद्र मोदी के फिगर हैं, आदाद और शुमार है। क्या आदाद और शुमार है कि हिंदुस्तान में 7 करोड़ 36 लाख मुसलमान शादीशुदा हैं, हिंदुस्तान में 7 करोड़ 36 लाख मुसलमान शादीशुदा हैं। इस 7 करोड़ 36 लाख में कितनों ने तलाक किया, कितनों ने तलाक किया? मैं अपनी मां और बहनों से भी कह रहा हूं कि मेरी बात का नोट कर लें, 7 करोड़ 36 लाख मुसलमान शादीशुदा हैं, तो तलाक दिया 3,70,000 मुसलमानों ने। क्या परसेंटेज है वो? 1% भी नहीं, 0.116%। अब आप बताइए मिस्टर मोदी मित्रों, अपनी मन की बात आप कर ही दो आज, हम तो अपनी मन की बात रख दिए, अब आप अपने मन की बात कर दो कि आपकी नजर में कितने मर्दों की बीवियां अपने बीवी को छोड़कर दूर रह रही हैं, आपकी नजर में कितने खवातीन का तलाक हुआ है, ये फिगर भी आप आवाम के सामने रख दो। जब आइंदा आप रेडियो पर मन की बात करेंगे तो आप अपने मन की बात में ये आदाद और शुमार रख दो कि मुसलमानों में इतनों ने तलाक दिया और दीगर मजाहिब के मानने वालों ने इतना तलाक दिया। मेरे भाई, यकीनन कोई भी नहीं चाहता कि किसी हमारी बहन की या हमारे भाई का शादी का इज़दवाजी रिश्ता टूट जाए। हदीस शरीफ में आया कि तमाम चीजों में सबसे बुरी चीज जो अल्लाह की नजर में हो तलाक देना, तलाक देना ये सबसे बुरी चीज है। मगर ये कहना कि नहीं मुस्लिम औरतों पर ही जुल्म हो रहा है, नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये कहानी बहुत पुरानी हो चुकी है, ये कहानी को हम पिछले 30-40 साल से सुन रहे हैं। अब आपकी कहानी पर हिंदुस्तान का मुसलमान यकीन करने वाला है। मेरे भाई, मेरे बुजुर्गों और दोस्तों, दूसरा सवाल हमसे ये करते हैं, क्या करते हैं कि आप दो शादियां कर लेते हैं। मैं तमाम मर्दों की तरफ से कह सकता हूं, या अगर नहीं तो अपने तरफ से अपनी बात कह रहा हूं कि मुझे अपनी एक बीवी को देखकर परेशानी होती है, एक को ही संभालना बहुत मुश्किल है, एक से इंसाफ करना बहुत मुश्किल है। वाकई में जिगर वाले हैं जो दो दो बीवियां रखते हैं, बहुत जिगर वाले हैं, हम तो एक में ही परेशान है, पिस नहीं रहे, अल्हम्दुलिल्लाह खुश है। मगर अल्लाह क्या कहता है? अल्लाह मर्दों से कह रहा है कि अपने बीवियों को खुश रखो। अल्लाह ने औरतों से नहीं कहा, सुनो मर्दों, सुनो नौजवानों, अल्लाह कुरान में मर्दों से कह रहा है अपने बीवियों का ख्याल रखो, उनको खुश रखो, ये औरतों की जिम्मेदारी नहीं है। अब मेरी कोई बात सुनकर किसी मर्द की मर्दानगी को तकलीफ पहुंची होगी तो मेरे भाई माफ करना, तुम्हारी मर्दानगी को तकलीफ पहुंचाने के लिए कह रहा हूं कि हमारी जिम्मेदारी है कि हम अपनी बीवियों का ख्याल रखें। और मेरी नजर में मर्द वो है जो अपनी बीवी का ख्याल रखे, ना मर्द वो है जो अपनी बीवी को मारता, ना मर्द वो है जो अपनी बीवी का ख्याल नहीं रखता, मर्द वो है जो अपनी बीवी को खुश रखता है, मर्द वो है जो अपने बीवी से मोहब्बत करता है, मर्द वो है जो अपनी बीवी की तकलीफ को अपनी तकलीफ महसूस करता है।
मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, ये जिक्र हमारी किताब कुरान करीम में किया गया। मिस्टर मोदी, इसका आप क्या जवाब देंगे, क्या जवाब देंगे इसका? और फिर ये कहना कि मुसलमान सिर्फ दो बीवियां रखते, नहीं मेरे भाई, नेशनल फैमिली हेल्थ सर्वे 2005 और 6 आया, जिसमें क्या कहा गया कि हमारे हिंदू भाई भी दो बीवी रखते हैं, मुसलमान भी रखते हैं, सब रखते हैं, मगर बदनामी का टोकरा हमारे सर पे रख देते हैं कि नहीं आप ही करते, नहीं करते मेरे भाई। कुरान में हमको क्या कहा गया, दूसरी शादी करने का हुक्म नहीं है, इजाजत है। दूसरी शादी करने का हुक्म नहीं है, इजाजत है। और अल्लाह कुरान में कह रहा है, फरमा रहा है कि तुमको इंसाफ करना पड़ेगा। मैं आज के इस जलसे से इस बात को कहना जरूरी समझता हूं कि जो हमारे भाई दो शादियां करे हैं, रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दी शरीफ को याद रखो कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि हशर के मैदान में लोग आएंगे अपने आधे जिस्म के साथ आएंगे। हदीस के अल्फाज हैं कि अपने आधे जिस्म के साथ आएंगे, यानी उनका पेट से उनका पैर कुछ नहीं होगा, आधे जिस्मों से आएंगे। जब लोग उनसे पूछेंगे कि तू इस हालत में कैसे आ गया, तो पुकार कर कहेगा कि दुनिया में मेरे पास दो बीवियां थी, मैंने उनसे इंसाफ नहीं किया तो अल्लाह ने मुझसे अज़ाब किया। तो जिनके पास दो बीवियां हैं, याद रखो इंसाफ होगा अल्लाह के पास, कोई बचने वाला नहीं है। ना सदुद्दीन ओवैसी बचेगा, ना शाकिर बचेगा, ना वारिस बचेगा, ना लाला बचेंगे, और तमाम को जवाब देना पड़ेगा मेरे भाई। इसीलिए आज के इस जलसे में मैं ये बात आपसे कहना जरूरी समझता हूं कि शरीयत के ऊपर लोग नारे जरूर लगाते हैं कि शरीयत के नाम पर हम मर जाएंगे। असदुद्दीन ओवैसी उन नौजवानों से भीख मांग रहा है कि मेरे भाई, तुम मरने के लिए नहीं आए हो, तुम जिंदा कौम के फर्द हो, तुमको जिंदा रहना है, और इस तरह जिंदा रहो, अगर तुम शरीयत को अपने आप पर लागू करोगे तो तुम जिंदा हो, अगर तुम शरीयत को अपने आप पर लागू नहीं करोगे तो फिर तुमको जिंदा कहना मुश्किल हो जाएगा। अगर तुम घर में अपनी बाप की इज्जत करोगे तो तुम जिंदा हो, अगर तुम घर में अपनी माँ की इज्जत करोगे क्योंकि उसके पैर के नीचे जन्नत है तो तुम जिंदा हो, अगर तुम अपनी बीवियों से मोहब्बत करोगे तो तुम जिंदा हो, अगर तुम अपनी बीवियों को नहीं मारोगे तो तुम जिंदा हो, अगर तुम अपनी बीवियों का गुस्सा सहोगे तो तुम जिंदा हो, अगर तुम एक यतीम के सर पर हाथ रखोगे तो तुम जिंदा हो, अगर तुम बेवाओं की मदद करोगे तो तुम जिंदा हो, अगर तुम मस्जिदों को आबाद करोगे तो तुम जिंदा हो, अगर तुम तहज्जुद में उठकर नमाज पढ़ोगे तो तुम जिंदा हो, अगर ये नहीं तो फिर कोई जिंदा नहीं। जिंदा इसको कहते हैं मेरे भाई, दुनिया को बता दो कि जब तुम रोड पर अकेला चलकर कोई जाता है तो कहे हां ये जिंदा कौम का जिंदा जा रहा, ये मिजाज हमको देना है दुनिया के सामने। आज हुकूमत हमसे कह रही है तो हम उनको बताएंगे जिंदा क्या होता, दहशतगर्दी का खात्मा करना पड़ेगा। अगर किसी नौजवान के दिल में आईसिस के ताल्लुक से राय बराबर भी मोहब्बत होगी तो तुम इस्लाम से वफा नहीं कर रहे हो, तुम इस्लाम से गद्दारी कर रहे हो। याद रखो आईसिस से हमारा कोई ताल्लुक नहीं था ना रहेगा, हमारी लड़ाई संघ परिवार से थी और इंशाअल्लाह ताला रहेगी। जब तक जिंदा रहेंगे फिरका परस्त ताकतों से मुकाबला करेंगे, मगर याद रखो मेरे भाई, जिस तरह तुम सुबह उठते हो, अगर खुशकिस्मत है वो लोग जो रात के अंधेरे में उठकर अल्लाह
से भीख मांगते हैं। बहुत खुशकिस्मत है, किसी एक अल्लाह वाले ने कहा था, शायद इमाम गज़ाली ने कहा था कि जो रात के अंधेरे मोड़ कर सन्नाटे के आलम में अल्लाह की बारगाह में सजदा कर कर रोता है तो अल्लाह उससे मोहब्बत करता है। जो रातों में उठकर अल्लाह से भीख मांगते हैं, अल्लाह उनसे मोहब्बत करता है। जो फजर की नमाज को उठ जाते हैं, अल्लाह सलामत रखे उन घरों को जिसमें एक बाप उठकर अपने तमाम घर वालों को उठाता है, उठ बेटा उठ बेटी, नमाज फजर का वक्त हो गया। मेरे भाई, ये मिजाज पैदा करना है। मगर हम नौजवानों का क्या मिजाज है, बुरा मत मानिए, आज कहने दीजिए। हम नौजवानों का मिजाज ये है कि फजर गोल हो जाती है, अम्मा आके उठाती है कि उठ जा बेटा, तो नमाज तो नहीं पढ़ा, कम से कम अब नाश्ता तो कर ले। तो बेटा बोलता, अम्मा तू रोटी दाल, मैं जरा फोन खोल के देखता हूं कितने SMS आए, कितने व्हाट्सएप आए। मेरे भाई, फोन को जो तुम सुबह उठ के देखते हो, क्या तुम्हारे दिल में ख्याल नहीं पैदा होता कि मैं कुरान खोल कर भी पढ़ लूं कभी? मैं फोन खोलने की जगह कुरान खोल कर देख लूं? मैं व्हाट्सएप या स्नैपचैट या फेसबुक को छोड़कर कभी एक सूरे की एक आयात पढ़ लूं? पढ़ो नौजवानों, खबर में स्नैपचैट मदद करने नहीं आएगा, हशर के मैदान में फेसबुक काम नहीं आएगा। मुनकिर नकीर जब खबर में आएंगे तो व्हाट्सएप मदद करने नहीं आएगा। मुनकिर नकीर पूछेंगे व्हाट डिड यू डू, वहां व्हाट्सएप नहीं आएगा। इसीलिए कुरान पढ़ो, शरीयत को लागू करो अपने आप पर, दुनिया को बताओ कि हम जिंदा हैं, और जिंदा जब है तो इस तमाम चीजों को करना पड़ेगा। और रहा सवाल हमारी हुकूमत का, जो कह रहे हैं कि तलाक को खत्म करना पड़ेगा, मिस्टर मोदी मैं आपसे पूछना चाहता हूं, जब आप पार्लियामेंट्री इलेक्शन की इंतखाबी मुहिम चला रहे थे तो आपने कहा था, क्या कहा था, अच्छे दिन आएंगे। क्या अच्छे दिन आए मेरे भाई? मिस्टर मोदी, ये मुमरा के हजारों के तादाद में यहां पर मौजूद फरजंदान तौहीद और मेरी जद्दार मार बहने पुकार कर आपसे कह रहे हैं कि अच्छे दिन को आपने तलाक तलाक तलाक। अब जवाब दो इसका, ए तुम मेरे साथ नहीं है तो मैं अकेले जाने वाला हूं, अभी बैठो खाना। 540 के लोकसभा में एक ही छू मैं, कोई साथ नहीं है। महाराष्ट्र के 280 है ना, 288 में खाली दो ही है, कोई साथ नहीं है। ठहरो अभी आप, मेरे भाई, पार्लियामेंट में हम अकेले जरूर हैं, महाराष्ट्र के असेंबली में आपकी दुआओं और वोटों की वजह से अल्लाह ने वारिस पठान और इम्तियाज जलील को कामयाब किया। ये आपकी दुआएं हैं और अल्लाह का करम है। यहां पर भी कोई नहीं देता साथ, जरा थोड़ी देर के लिए सोचो, आप जिस चीज का जिक्र वारिस कर रहे थे कि जब वारिस पठान ने कहा कि मैं वो नारा नहीं लगाऊंगा, वारिस पठान ने कहा कि आप लगा लो, मुझे मजबूर मत करो, ये हिंदुस्तान की जमहूरियत है।
तो आपको जानकर हैरत होगी या आप जानते भी होंगे, आपके हाफिजे को ताजा करने के लिए कह रहा हूं कि सबसे पहले वारिस को महाराष्ट्र की विधानसभा से निकालने का अगर किसी ने रेजोल्यूशन मूव किया तो कांग्रेस और राष्ट्रवादी कौन किससे मिला हुआ है। आप खुद सोच लो, जो सेकुलरिज्म की दुहाई देते, जो कहते हैं कि नहीं बगैर मुसलमान के हम पूरे नहीं होते, और तुम जानते भी हो कि दीने इस्लाम में हम सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं कर सकते, हम सिर्फ अल्लाह की इबादत करते हैं, हम सिर्फ अल्लाह से मांगते हैं, भीख मांगते हैं। हमारा ईमान यह है कि सूरज को बनाने वाला अल्लाह, हमारा ईमान यह है कि चांद और सूरज जमीन और आसमान को बनाने वाला अल्लाह, आसमानों से पानी बरसाने वाला अल्लाह, यह आसमानों का शामियाना ठिकाने वाला अल्लाह, हर चीज में अल्लाह 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 है, तो हम कैसे अल्लाह को छोड़कर किसकी इबादत करें। तो आपने कहा कि नहीं वारिस, तुमको बोलना पड़ेगा। अच्छा किया वारिस ने, यकीनन पूरे के पूरे आ गए। मेरे भाई, जब तक अल्लाह किसी के सीनों पर इत्मीनान नहीं पैदा कर देता, यह आसान काम नहीं है कि 100-150 कांग्रेस राष्ट्रवादी शिवसेना बीजेपी के एमएलए वारिस को घेर लिए और कहा कि बोल दे। किसी शिवसेना के एमएलए ने वारिस को कुत्ता कहकर गाली दी। जब मुझे वारिस पठान ने गमगीन होकर अपनी आंखों में आंसू लाकर फोन करके कहा कि साहब, मुझे शिवसेना के एमएलए ने कुत्ता कहा, तो मैं आज वारिस तुमसे कह रहा हूं कि हशर के मैदान में तुम देखोगे कि तुम्हारा मुकाम क्या होगा इंशाअल्लाह ताला। जो लोग आज हमको कुत्ता कह रहे हैं, यकीनन हम मदीने वाले के गुलामों के गुलामों के कुत्ते हैं। बोलो हमको कुत्ता को फिक्र की बात है। तुम कुत्ता कहो क्या कहते कहो, मगर तौहीद को हम छोड़ने वाले नहीं हैं, हम शरीयत को छोड़ने वाले नहीं हैं। इसलिए कि हिंदुस्तान की जमहूरियत हमको इजाजत देती कि हम अपने मजहब पर चले, हिंदुस्तान की पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी हमको इस बात की इजाजत देती कि हम अपने मजहब पर चले, हमारा हिंदू भाई उनके मजहब पर चले, हमारा ईसाई भाई अपने मजहब पर चले, हमारा दलित भाई अंबेडकर को बाबा साहिब कहकर पुकारे, हमारा ट्राइबल भाई अपने तहजीब पर चले, हमारा ईसाई भाई अपने गिरजाघर को जाए। ये हिंदुस्तान है मिस्टर मोदी, ये संघ परिवार का हिंदुस्तान नहीं है, यह आरएसएस का हिंदुस्तान नहीं है, यह बीजेपी का हिंदुस्तान नहीं है, यह तमाम हिंदुस्तानियों का हिंदुस्तान है जिसमें हर एक को अपने मजहब पर चलने की इजाजत दी गई। मगर थोड़ी देर के लिए सोचो आप कि हमको गाली देने वाले खुद महाराष्ट्र की विधानसभा में कह रहे थे, बोल वारिस बोल बोल। आज बताइए आप हमारे दरमियान में, हमारे इलाकों में आते हैं और कहते हैं नहीं नहीं हम तो ऐसा नहीं करें। मेरे भाई, पहचानो आप, पहचानो इन लोगों को। मेरा असली मौजू जिस पर मैं आ रहा था, तल्लाह के बाद आपसे कर रहा था, अच्छे दिन तो नहीं आए। वजीर आजम जहां कहीं जाते थे ऐसा बोलते थे, अच्छे दिन, वहां से लोग बोलते आएंगे। मेरे भाई, ना अच्छे दिन तो नहीं आए, बुरे दिन तो जरूर आ गए सबके। इतने बुरे दिन आ गए कि मिस्टर मोदी ने कहा था पार्लियामेंट में, ना खाऊंगा ना खाने दूंगा, तो विजय मल्या बोला खाऊंगा काके भाग जाऊंगा। कितना खाया उन्हें, 10,000 करोड़ खाया कम्बख्त का बच्चा,
हजार करोड़ गारत का घड़ा है भरता ही नहीं है, 10,000 करोड़ खाया डकार भी लेके किंगफिशर में उड़ के चले गया, और हमारे मित्रों बोल रहे अच्छे दिन। वाह रे प्राइम मिनिस्टर वाह। फिर हमारे वजीर आजम ने कहा 15 लाख आएंगे हर एक के अकाउंट में, कहा था नहीं कहा था? 15 लाख आए। मिस्टर प्राइम मिनिस्टर आपने हिंदुस्तान के अवाम को 15 लाख नहीं देकर तलाक 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 कह दिया। तीसरी बात, हिंदुस्तान के वजीर आजम ने कहा था नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी, कहा था ना हिंदुस्तान के नौजवानों को नौकरियां मिलेंगी। कितने नौजवानों को नौकरियां मिली तो हाथ तो उठा दो, कुछ तो उठाओ। अच्छा कितनों को नहीं मिली हाथ उठाओ, जरा कैमरा फिराओ, दिखाओ मोदी को कि नौकरी नहीं मिली। तो नौकरियों को भी मोदी ने क्या कहा? हिंदुस्तान के वजीर आजम ने, हाँ खैरी अभी खत्म नहीं हुई, अभी तो वार्म अप हुआ मैं। ये बीच बीच में नहीं बोलना, हाँ ठहरो। चौथी बात मिस्टर मोदी ने कही थी, क्या कहा था? बल्कि मिस्टर मोदी के साथ एक बड़ी अदब के साथ कहना चाह रहा हूं कि स्वामी जी ने भी कहा, स्वामी जी ने कहा अगर मोदी प्राइम मिनिस्टर बन जाएंगे तो डॉलर का रेट 35 रुपये हो जाएगा। स्वामी जी और मोदी जी, डॉलर का रेट 70 रुपये हो गया, तो आपने डॉलर को क्या किया? आपने कहा था हिंदुस्तान के वजीर आजम बॉर्डर पर कुछ नहीं होगा, ठीक है आपने सर्जिकल स्ट्राइक किया, मैं तमाम आवाम की तरफ से अपनी आर्मी को सलाम करता हूं, हम अपनी आर्मी को सलाम करते हैं। जरा ये भी नजारा दिखाओ टीवी वालों, क्योंकि संघ परिवार के लोग जो 90 साल चड्डी पहन के 90 साल के बाद पैंट पहनना शुरू किए, वो बोलते मुबरा भिवंडी नागपुरा मदनपुरा ये तमाम के तमाम हिंदुस्तान से मोहब्बत नहीं करते। अरे हम नहीं मोहब्बत करते तो हमसे ज्यादा कौन कर सकता है? हम बुमराह में पैदा हुए तो मरे तो भी यही कब्रिस्तान में जाते हम। मगर मेरे भाई कश्मीर का मसला आपने हल करने का वादा किया था, आपने कहा था कि हम हल करेंगे, आपने इख्तदार में हिस्सेदारी ले ली कश्मीर में, 100 दिन से कश्मीर में सिविल अनरेस्ट है, 100 दिन से वहां पर बंद है, 100 दिन हो गए, करीब 100 लोग मारे गए, बकरीद की नमाज भी नहीं हुई, तो मिस्टर मोदी आपने क्या कहा? तलाक तलाक तलाक। आप कर रहे हैं मैं नहीं कर रहा हूं। बड़े लोग बोलते हैं कि छेड़खानी नहीं करना जाके, मैं शरीर बच्चा जरूर हूं, मेरी शरारत को तुम नहीं जानते। आप आकर हमसे कह रहे थे ऐसा नहीं ये करना, और फिर सुप्रीम कोर्ट में जो रिप्लाई दाखिल किए, रिप्लाई में ये कहा कि पाकिस्तान में 2 शादियां नहीं होती, श्रीलंका में 2 शादियां नहीं होती, बांग्लादेश में नहीं होती, इंडोनेशिया में नहीं होती, अफगानिस्तान में नहीं होती, तुर्की में नहीं होती,
तुनिसिया में नहीं होती, मोराको में नहीं होती, ईरान में नहीं होती। जहां तक मुझे मालूम है, सिवाय तुर्की को छोड़कर सब जगह दबा के दो शादियां कर रहे, वहां पर सब कर रहे। फर्क क्या है उसमें लिख के जरा मौलाना को जाके बोल देना तो शादी कर लेना। आप बोल रहे नहीं करते, हम बोल रहे पढ़ो। आप जो एफिडेविट डाल रहे उसमें आप लिख रहे और ये समझ रहे कि हिंदुस्तान के मुसलमान थम्स अप है। नहीं मिस्टर मोदी, हम थम्स अप नहीं, हम तो कोक के बाप है अभी, आप कह रहे हैं। और फिर मेरा सवाल हिंदुस्तान के वजीर आजम से ये है, मिस्टर मोदी आप हमको पाकिस्तान से क्यों जोड़ रहे हैं? हमको क्या करना है पाकिस्तान से? पाकिस्तान जमहूरियत है, पाकिस्तान डिक्टेटरशिप है, पाकिस्तान में जमहूरियत है, पाकिस्तान में आर्मी के पास ताकत है, पाकिस्तान में तबाही और बर्बादी है, पाकिस्तान में देवबंदियों बरेलवी सलफियों की मस्जिद में बम ब्लास्ट हो जाते, शियाओं को मार दिया जाता ताजियत के जुलूस में, आप ले जाके हमको पाकिस्तान से मिला रहे। आपको इतनी मोहब्बत कहीं को है भाई पाकिस्तान से? हमको तो नहीं है। हिंदुस्तान की आप तोहीन कर रहे हैं पाकिस्तान से मिलाकर मिस्टर मोदी। बांग्लादेश से हमको मिला रहे, वो बांग्लादेश जिसको हम पैदा किए 1971 में, हम पैदा किए। आप बांग्लादेश को हमसे मिला रहे, श्रीलंका को हमसे मिला रहे, मोराको जिसमें बादशाहत है जमहूरियत नहीं है, आप हमको मिला रहे। मिस्टर मोदी आप भारत की तौहीन कर रहे हैं। अगर आप कहते हैं कि भारत देश दुनिया में सबसे बेहतर है तो सही है, मगर आप हमको उनसे क्यों मिला रहे हमको बताओ? आप हमारी शरीयत को क्यों खत्म करना चाह रहे आप? आप तो कहते थे ना कि सबका साथ सबका विकास, क्या अगर मैं अल्लाह उसके रसूल के बताए हुए कानून के मुताबिक अपनी जिंदगी गुजार रहा हूं, अपनी शादी और तलाक और जायदाद का हिस्सा बांट रहा हूं, तो आपको क्या हो रहा है? क्यों कर रहे हैं आप ये? इसका जवाब आपको देना पड़ेगा। और मरकजी हुकूमत के एक वजीर कह रहे हैं, जिनका नाम जनाब वेंकैया नायडू है, वेंकैया नायडू कह रहे हैं कि हिंदुस्तान में मजहबी कानून नहीं रहेगा। तो मैं वेंकैया नायडू साहब से कह रहा हूं, मिस्टर वेंकैया नायडू, अगर मजहब के नाम पर कानून नहीं रहेगा तो हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के टैक्स रिबेट्स क्यों आप सिर्फ हिंदुओं को दे रहे, मुसलमानों को भी दो ना आप? हमको क्यों नहीं देते आप? हम भी इनकम टैक्स थोड़ा बचा लेते, हमारे पास भी पैसा थोड़ा बहुत है, हम बचा लेते, लाओ ना। नहीं देंगे, हमारे मुमरा में पीने को पानी नहीं देंगे, मुमरा में 8-8 घंटे लाइट नहीं देंगे, और बोलेंगे मीटर काम नहीं करता यहां पे। अरे सालिमो, तुम्हारा दिल का मीटर रुक चुका है हमारे लिए, हमारा मीटर तो सलामत है घर का भी, और हमारा दिल का मीटर भी बराबर सलामत है। तुम्हारे दिल का मीटर खत्म हो चुका है, तुम्हारे दिल के मीटर की रीडिंग बराबर नहीं आ रही, हमारे दिल का मीटर तो रीडिंग सामने लोगों के, हिंदुस्तान के कयूर लोगों के दिल का मीटर आज तुम्हारे सामने बोल रहा है। देखो आज आप कैसे हमसे कहते हैं मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों। और फिर ये बोलते आप कि मुसलमानों में औरत को उसका हक नहीं मिलता। नौजवान यहां पर बहुत हैं, बुजुर्ग तो हैं यहां पर भी जो बात जानते होंगे, मगर नौजवानों के लिए बोलना चाहूंगा कि मिसाल दिया था हैदराबाद में, आपके सामने भी दे रहा हूं। अगर मिसाल के तौर पर नौजवानों, मेरे गयूर नौजवानों, मेरी इज्जतदार बहनों, अगर खुदा ना खास्ता किसी एक बाप का इंतकाल हो जाता है,
और वो 15,000 रुपये छोड़ के जाता है अपने बेटा और बेटी के लिए, तो हमारा हुक्म या हमारा कानून ये बोलता 10,000 बेटे के लिए, 5,000 बेटी के लिए। तो आरएसएस वाले बोलते हाँ बेटी को नहीं मिलता। तो मेरे से एक आरएसएस के आदमी ने पूछा ये क्या है, मैंने कहा जनाब पहले तुम शादी करो बाद में मेरे से पूछो। तो 5,000 बच्ची को जो मिलता वो उसका पैसा है, फिक्स डिपॉजिट। जब बच्ची की शादी होती तो उसको मेहर मिलता, वो देना है तुमको। ऐसा नहीं कि बीवी को आइसक्रीम खिलाते खिलाते हल्लू बोले बेगम माफ तो कर दो ना, वो नहीं नहीं बोलना मेरे भाई। औरत को उसका मेहर देना, मर्द है वो जो औरत को फौरन मेहर दे देता, ये लो ये तुम्हारा मेहर। तो औरत को मेहर मिल गया, 10,000 रुपये हो गए। अब जो बच्चे बेटे के पास 10,000 है उसको शादी करना है, उन्हें जाके बोलता मैं शादी कर रहा हूं, बच्ची का बाप बोलता 5,000 रुपये मेहर, 5,000 रुपये चले गए। अब बचे 5,000, उसमें माँ बाप का ख्याल भी करना है, घर भी चलाना है। ए जालिमो ये इंसाफ हमारे पास ये है। अब आप मुझसे ये बता दो कि अगर मेरी बात बुरी लगती है तो मुझे माफ कर दो। मिस्टर वेंकैया नायडू, क्या आपके पास बच्ची कतरा होती है, खानदान की बड़ी होती है? आप कानून चेंज कर दो ना, आप कर दो ना कानून। आप हम पे उंगलियां उठाते हैं और मेरे भाई हिंदुस्तान की बहुत बड़ी रियासतें हैं जहां पर अगर एग्रीकल्चर की लाइन में हमारी हिंदू बहनों को हिस्सा नहीं मिलता, क्यों नहीं हुकूमत देती हो? ये तमाम बातें हैं मेरे भाई। और फिर ये कानून की बात कर रहे हैं औरतों के तहफ्फुज का। मैं हमारे नौजवानों और बुजुर्गों की मौजूदगी में एक बात कह रहा हूं कि हमारे कोर्ट में सुप्रीम कोर्ट ने एक फैसला दिया है कि अगर कोई नौजवान बच्चा या बच्ची अगर शादी नहीं करके भी एक दूसरे के साथ रहे, बगैर शादी के साथ रहे, तो उसमें भी औरत का हक है। हम हुकूमत से पूछना चाह रहे हैं जब जस्टिस चौहान ने यह फैसला दिया था, जो लॉ कमीशन के चेयरमैन है, तो हम तो शादी कर रहे हैं ना, अगर दूसरी शादी भी कोई कर रहा है उसके पास जिगर है तो करना होगा, मगर एक औरत को बीवी मानना, माशरे में उसको इज्जत देना है। जो लोग औरतों से शादी नहीं करते तो दुनिया उनकी इज्जत नहीं करते, उसको बीवी नहीं कहते, उसको किसी और नाम से पुकारते। मेरे भाई ये दुनिया को और हुकूमत को बताना पड़ेगा। और मैं यह भी कहना चाहूंगा कि आज जब मैं बंबई पहुंचा, तो बंबई पहुंचा तो एक टीवी प्रोग्राम में गया और वहां पर किसी एक प्रेस वाले ने मुझसे सवाल किया कि कोई फिल्म नहीं आने वाली है, क्या नाम है जी उसका, लाहौल वाला जो भी नाम है बला है, बहरहाल कुछ नाम है, बड़ी मुश्किल है, बहरहाल कुछ नाम है उसका। तो उसने मुझसे कहा मिस्टर ओवैसी ये फुला फुला पिक्चर है और इसको रिलीज नहीं होने देते बोल रहे। मैं बोला मेरे को क्यों बोल रहे आप, नहीं आप क्या तबसरा करेंगे? मिला मैडम हिंदुस्तान का सबसे बड़ा हीरो तो मैं खड़ा हुआ हूं, आप ये कौन से पिक्चर की बात कर रहे हैं, हम तो अपनी पिक्चर बना रहे हैं, अभी आज पिक्चर की शूटिंग है मुंबरा में, आप आइए। तो बोले नहीं नहीं आप क्या मजाक कर लेते, बोला हमें सही बोल रहे मजाक ही कर रहा हूं, मैं का हीरो मैं तो विलन हूं, मैं तो भड़का हुआ शन देता हूं ना, मैं तो लड़ाता हूं लोगों को, देखो माइक भी गिर गया। चलिए हाजी साहब शुक्रिया, अल्लाह हु अकबर। अरे लोग जानते आप।
तो फिर मैडम ने कहा, हमारे जर्नलिस्ट ने कहा, नहीं नहीं मजाक मत करिए। मैंने कहा ठीक है, मजाक हो गया, सीरियस बात करेंगे। मैंने कहा क्या हुआ? बोले कि चीफ मिनिस्टर फडणवीस के पास मीटिंग हुई और मीटिंग में यह तय पाया कि कोई पिक्चर में एक पाकिस्तानी काम कर रहा, तो यह तय किया गया कि अब जो भी पाकिस्तानी जिस फिल्म में काम करेगा वो फिल्म वाला 500 रुपये आर्मी को देगा। मैं सुन के ताज्जुब किया, आज इस जलसे के इंतजाम में हमारे पुलिस के हजरात बैठे हुए हैं, ये अपनी ड्यूटी निभा रहे हैं। जब मैं ये सुना तो मैं बोला मैडम अब इसका जवाब नहीं दे सकता, मैं बाद में दूंगा। मैं जाकर अंदर बैठ गया, बारिश बाद में आए। मैं सोच रहा था कि जब अजमल कसब को वो बहादुर पुलिस कांस्टेबल जिसने जिंदा हाथ अजमल कसब को पकड़ा था, उसका नाम तुकाराम था, मगर मैं गलत नाम कह रहा हूं तो माफी चाहता हूं, याद नहीं आ रहा। उसने अजमल कसब को जिंदा पकड़ा और पकड़कर अपनी जान की जान लगा दी, उसमें उसकी जान चले गई। मुझे ये सोचने पर मजबूर हूं और ये बोलने पर मजबूर हूं कि अगर एक पाकिस्तानी किसी फिल्म में काम करेगा तो आर्मी को 500 रुपये, अरे लानत है ऐसे 500 रुपये के लिए, क्योंकि हिंदुस्तान की आर्मी का एक एक सिपाही करोड़ों रुपये का है, 5 करोड़ का नहीं हो सकता हिंदुस्तान। ये जो हमारी पुलिस, हो सकता है कि इनकी हरकतों से हम नहीं मानते होंगे फसादात में, मगर ये देश का काम कर रहे हैं। क्या इनकी जान की कीमत 5 करोड़ रुपये हो सकती है? क्या किसी एक हिंदुस्तान के फौजी की जो सड़क पर गोलियां खा रहा है, अपने बीवी बच्चों से 6-6 महीने दूर रहता है और जब घर को आता है तो अपनी मां उसकी बीवी खुश होती है कि जिंदा आ गया, क्या उसकी कीमत 5 करोड़ रुपये हो सकती है? अरे लानत है तुम लोगों पर, क्या काम कर दिए कि हिंदुस्तान की का फौजी 5 करोड़ का है? नहीं, बीजेपी वालों और बेटो, बीजेपी वालों और आपका छोटो, 5 करोड़ क्या कर रहे हैं आप? ये आपकी देश से मोहब्बत है? जब प्राइम मिनिस्टर कहते हैं कि मेरे हिंदुस्तान की आर्मी ने इस तरह का काम किया, मिस्टर प्राइम मिनिस्टर, एक पाकिस्तानी एक पिक्चर में काम करे तो 5 करोड़ नहीं, हिंदुस्तान के वजीर आजम, हिंदुस्तान की आर्मी का एक एक सिपाही 100-100 करोड़ से बढ़कर उसकी कीमत है। 5 करोड़ की कीमत लगाकर गद्दारी मत करो आप इन लोगों से, ये कर रहे हैं। अब फिर पिक्चर रिलीज हो जाएगी, थोड़े दिन के बाद ताल्लुकात अच्छे होंगे और ताज्जुब नहीं करना आप जब शरीफ साहब या आएंगे या मोदी साहब मां जाएंगे। पिछली मर्तबा मंगनी में गए थे, अब की मर्तबा निकाह में जाएंगे, मगर वो मामले में भी क्या कर दिए, आप हमको बोल रहे हैं मिस्टर मोदी क्या हो रहा है, इस देश का क्या होगा कि आप एक पाकिस्तानी एक्टर की कीमत 5 करोड़ रुपये? क्या मोहब्बत है आपको देश से? मैं क्या बोल सकता हूं आप? मुझको गाली देते, ये जहां जाता भड़काव भाषण करता, ये जहां जाता इस तरह की बात करके चला जाता, मगर मुझे पूरा उम्मीद है कि जब मैं ये बात कह रहा था तो पुलिस वाले मुंडी हिला रहे थे, तो मैं समझता हूं कि मैं काम कर गया। पांच करोड़ कीमत नहीं हो सकती मेरे भाई, कौन है जी ये पाकिस्तान का एक्टर? ऐसे हजारों हमारे पास बुमराह में एक से एक खूबसूरत माता, मगर पढ़ो, खाली स्टाइल मारने से नहीं होता, पढ़ो,
स्कूल को जाओ, कॉलेज को जाओ, डॉक्टर बनो, इंजीनियर बनो, लॉयर बनो, वकील बनो, साइंटिस्ट बनो, पॉलिटिशियन बनो, हर चीज बनो, ताकतवर बनो, इज्जतदार बनो, अल्लाह तुमको ताकत से नवाज देगा। मगर पढ़ो मेरे भाई, पढ़ो। तुम जब पढ़ोगे, तुम जब लिखोगे, तो याद रखो हमारा हथियार हमारा इल्म है, हमारी ताकत हमारा इल्म है, हमारी पहचान हमारा इल्म है, हमारा दीन हमसे कहता है इकरा। कुरान की पहली आयात जो नाजिल की गई, अल्लाह ने क्या हुक्म फरमाया, पढ़ो पढ़ो पढ़ो, खूब पढ़ो। हाँ, जब बात पढ़ाई की आई तो फिर मुमरा का हाल तो बड़ा बुरा है, आवाज बहुत बुरा है। ये गए थे राष्ट्रवादी के मालेगांव, गए थे मालेगांव, जाके वहां पर बोले ओवैसी जो है ये मंजलिस वाले वारिस पठान को सस्पेंड करा के मालेगांव गए। ये लोग मिले हुए हैं उनसे, इनसे मिले हुए हैं, उनसे मिले हुए हैं। मेरे भाई, हम कितों के सगे ये तो बता दो। अल्लाह के करम से मेरा एक ही साला है, समझे आप। इसीलिए बोलते हैं मुंह को नहीं लगना हमारे, हमारे मुंह को लगे तो मित्रों को हम बोल देते तुम कहां बाबू। बहरहाल मेरे भाई, मुमरा में आपके पास, मुमरा स्टेशन के पास चार उर्दू मीडियम के स्कूल है नहीं है लाला, या टू लाला बैठे हुए हैं, मजहर लाला इन रऊफ लाला है ना। एमएम वाली में 12 उर्दू मीडियम स्कूल है, मेरे को मालूम तुमको नहीं मालूम, मेरे को मालूम। अब मैं जो बोला सही है, बाद में बात करेंगे। मुमरा स्टेशन में 4 उर्दू मीडियम के स्कूल, एमएम वैली के बिल्डिंग में 12। अब ये 4 और 12 को मिला लीजिए, 16 हो गए। 16 में कितने प्रिंसिपल है? एक ही प्रिंसिपल है, एक ही प्रिंसिपल है। और फिर 18 प्रिंसिपल की जरूरत है यहां पर, 51 टीचर्स की जरूरत है। स्कूल को उठा के वहां दूर फेंक दिए तो बस में जाने को किराया कौन देंगे भाई? बस में जा नहीं सकते, गए तो स्कूल में ना पीने का पानी है ना टॉयलेट है। मैं वारिस साहब से बोल रहा हूं कि जब असेंबली शुरू होगी, वारिस पठान साहब, आप असेंबली में गड़बड़ कर देना इसके बारे में, उठा देना मसले को। आप ये सस्पेंड हो गए तो कोई बात नहीं, आपको सस्पेंड हुए तो भी हीरो बनते, आप उठाओ मसले को, आप उठाओ इसको। आप फिर थाने म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन ने एमएम वैली मार्केट के पास, ये शिमला पार्क के पास हमारे ठेला बंडी के कारोबार करने वालों को वहां लेके गए, 2500 ठेला बंडी को तोड़ दिए, फिर भी आप वोट डालेंगे क्या? अब आप सोचो, मुंद्रा की मेन रोड पर मैंने अपनी आंखों से देखा कि हमारी गरीब मां और बहने फुटपाथ के किनारे कपड़ा बिछाकर बेच रही है, सामान को बेच रही है। नौजवानों सोचो उस थोड़ी देर के लिए उन गरीब मां और बहनों के दिलों पर क्या गुजरती हो। तू चक्कर हो गया, इन बोले स्टेडियम अपना है, अपने बाप का है, स्टेडियम में बैठ के खतरा कर लिए। मेरे भाई, आज आपको हालात और वक्त का तकाजा यह है कि आपको बदलना पड़ेगा। असेंबली इलेक्शन में मानता हूं कि जिस तरीके से हमको लगना था हमारी भी कोई कोताही जरूर हुई होगी, मगर इंशाअल्लाह ताला अब आप देखते हैं कि खमर भाई, शब्बीर सैयद वसीम और नसीर पठान
रऊफ लाला, मजहर लाला, हमारे ये तमाम मजलिस के राकीन, ये तमाम आज यहाँ पर है आपको मुत्तहिद होकर अपनी जमात को कामयाब करना पड़ेगा और सबसे पहले इन लोगों को अपने आप में एक होना पड़ेगा, एक होना पड़ेगा आप लोगों को, एक होकर जाना पड़ेगा आवाम के दरमियान में। और मैं वार्निंग दे रहा हूं पब्लिक के मौजूदगी में, सबसे कह रहा हूं कोई मजलिस से बड़ा नहीं है असदुद्दीन ओवैसी भी, अगर है तो मजलिस की वजह से, मजलिस नहीं तो असद भी नहीं। तो अपनी जमात का ख्याल रखिए। बंबई मुंबई के बल्दिया के इंतखाबात होंगे, शाकिर पटनी की खियादत में इंशाअल्लाह ताला काम होगा, वारिस पठान अपनी पठानी दिखाएगा मुंबई के बल्दिया इलेक्शन में। मेरे भाई, जब तक आपकी आवाज ऐवान असेंबली में नहीं होगी, थाना म्युनिसिपल कॉरपोरेशन में नहीं होगी, मुंबई के बल्दिया में नहीं होगी, भिवंडी के बल्दिया में नहीं होगी, तो हमारे मसाइल हल होने वाले नहीं है। मेरे भाई, लड़ने वालों की जरूरत है। आपने बरसों से कांग्रेस राष्ट्रवादी का साथ दिया, ये कुछ नहीं कर सकते, ना ये इनके दिलों में कोई करने की नीयत है, ये सिर्फ हमको बेवकूफ बना रहे हैं, बेवकूफ बना रहे हैं। रिजर्वेशन का, मुसलमानों का रिजर्वेशन का मसला देखिए आज क्या हो रहा है महाराष्ट्र में। मैं मराठा लोग जो रोड पर पुरमन तरीके से निकलकर अपना एहतजाज कर रहे हैं, वो काबिल मुबारकबाद है कि लाखों की तादाद में निकलते हैं, खामोशी से करते हैं, चले जाते हैं। मगर हम बीजेपी की गवर्नमेंट से, जिसमें शिवसेना भी शामिल है, हम इनसे पूछना चाहते हैं कि क्या मराठाओं को रिजर्वेशन देंगे तो मुसलमानों को नहीं देंगे? मैं मराठाओं के रिजर्वेशन के हरगिज खिलाफ नहीं हूं, दो आप उनको, मगर मैं आपसे क्या कह रहा हूं कि मेरे बच्चे रोजगार से महरूम हैं, मेरे बच्चे स्कूलों से महरूम हैं, मेरे बच्चियां कॉलेज से महरूम हैं, मेरे माँ बाप की आंखों में एक उम्मीद है कि मेरी औलाद डॉक्टर बनेगी, इंजीनियर बनेगी, इस मुल्क को और महाराष्ट्र को मजबूत करेगी। तो मेरी पसमानदगी की बुनियाद पर, इस्लाम के नाम पर नहीं, मुसलमानों की बैकवर्डनेस के ऊपर, सोशल एजुकेशनल बैकवर्डनेस के ऊपर, आप मुसलमानों को रिजर्वेशन क्यों नहीं देते? आप दोनों रिजर्वेशन हमको आप क्यों नहीं देते? आप हमको रिजर्वेशन क्या करें हम? अरे हम तो सबसे पसमानदा है, गवर्नमेंट की नौकरियों में हम सबसे नीचे, पुलिस की नौकरियों में हम सबसे नीचे, आईपीएस ऑफिसरों में सबसे नीचे, डॉक्टरों में से नहीं बनते, हमारे बच्चों का एडमिशन नहीं होता, इंजीनियर में हमारा नहीं होता, टीचरा हमारे स्कूल को नहीं है, तो रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हमको आप? आज महाराष्ट्र का मुसलमान रिजर्वेशन का मुतालबा कर रहा है, हाई कोर्ट ने मुसलमानों के रिजर्वेशन का इंतजाम किया, हाई कोर्ट ने कहा कि मुसलमानों को रिजर्वेशन दो, हाई कोर्ट ने कहा मुसलमानों के बैकवर्डनेस के ऊपर दो, इस्लाम के नाम पर हम नहीं पूछ रहे हैं, हमारी बैकवर्डनेस के नाम पर हम पूछ रहे हैं। मिस्टर मोदी, आपने कहा था सबका साथ सबका विकास, मेरे भाई सोचो आप थोड़ी देर के लिए कि गुजरात में पटेलों को रिजर्वेशन की दिया जाता है, हरियाणा में जाटों को दिया जाता है, मराठा लोग अपनी ताकत को दिखा रहे हैं, और किसी को बीजेपी नहीं देना चाहती तो मुसलमान को नहीं देना चाहती। आप बताइए थोड़ी देर के लिए कि मुस्लिम औरतों को इंसाफ की बात करते हैं तो फिर मुस्लिम बच्चों की इंसाफ की बात क्यों नहीं करते? हमारे बच्चियां पढ़ना चाहते मिस्टर मोदी, हमारे बच्चियां डॉक्टर बनना चाहते, हमारे बच्चियां पायलट बनना चाहते, आप रिजर्वेशन क्यों नहीं देते हो? बीजेपी इसके ताल्लुक से क्यों खामोश है? मेरे भाई, कांग्रेस ने, राष्ट्रवादी ने क्या किया? कांग्रेस और राष्ट्रवादी ने धोखा दिया, इलेक्शन से पहले ऑर्डिनेंस जारी कर दिया, उसको कानून की शक्ल का रूप उसके अख्तियार करने नहीं किया।
आधा काम करके चले गए और ये हमेशा आधा काम करते कांग्रेस राष्ट्रवादी वाले। मालेगांव का बम ब्लास्ट हुआ वो भाई अभी 6-7 मिनट, हेलो कर जाओ, 6-7 मिनट में बहुत हो सकता, 15 मिनट में बहुत हो गया तो 6 मिनट में नहीं होता। क्यों नहीं देते हमको आप? मालेगांव का बम ब्लास्ट, हम पूछना चाहते आरएसएस वालों से कि हर बार बोलते कि इस मुल्क को इस्लामिक टेररिज्म से खतरा है। मेरे भाई मैं आपके सामने जो बात कह रहा हूं जहन नशीन कर लो, अगर कोई प्रेस वाला आपसे सवाल करेगा इस्लामिक टेररिज्म के ऊपर, हेमंत करकरे अगर जिंदा होते, शहीद हेमंत करकरे, तो हेमंत करकरे ने मालेगांव के 2006 के बम ब्लास्ट में चार्जशीट जो डाली थी उस चार्जशीट का सफे नंबर 66 ये कहता है कि लेफ्टिनेंट कर्नल पुरोहित, मेजर उपाध्याय, ये लोग, इनके पास हथियार था, ये इज़राइल से जाकर हथियार लाए थे। इसमें कहा गया और हमारे वजीर आजम तकरीर में बोलते कि इज़राइल की तरह हमने काम किया। मिस्टर मोदी ये कहां का रिश्ता जोड़ रहे आप? कर्नल उपाध्याय तो बोला है इज़राइल के बारे में कि इज़राइली हुकूमत ने इनको हथियार देने का वादा किया, इज़राइली हुकूमत ने इनको वहां पर दफ्तर देने का वादा किया। ये मेरे अल्फाज नहीं है, हेमंत करकरे की फाइल करदा चार्जशीट में पेज नंबर 66 में कहा गया। और फिर हिमायत बेग का केस आपके सामने है, हिमायत बेग को सजा जरूर हुई मगर जर्मन बेकरी में नहीं हुई। हिमायत बेग के पास जो एक्सप्लोजिव निकला वो जर्मन बेकरी के लिए नहीं इस्तेमाल हुआ। मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, हिंदुस्तान के हालात और वक्त का तकाजा यह है कि मुत्तहिद हो जाओ मेरे भाई। हम अपने अपने मसलक पर चल सकते हैं, हम बरेलवी हो सकते हैं, देवबंदी हो सकते हैं, सलफी हो सकते हैं, शिया हो है, मगर मेरे भाई हम मुसलमान भी तो हैं। मुत्तहिद हो जाओ, दलितों को अपने साथ देना पड़ेगा। ये दलित पिछड़े हैं, ये दलित कमजोर हैं, इन दलितों को साथ लेकर इन जालिम ताकतों से हमको मुकाबला करना पड़ेगा। मैं हमारे महाराष्ट्र के दलित भाइयों से कहना चाह रहा हूं, आप असदुद्दीन अवैसी को भी अपना छोटा भाई समझो, मैं आपके साथ खड़ा हूं, आप अपनी लड़ाई में अकेले नहीं हैं। मेरा तो मानना यह है कि हिंदुस्तान में अब गांधी से बड़ा कोई लीडर था तो अंबेडकर था, हिंदुस्तान में नेहरू से बड़ा कोई लीडर था तो अंबेडकर था। हमको अपने दलित भाइयों को साथ लेकर आगे बढ़ने की जरूरत है। आइए मेरे अजीज दोस्तों और बुजुर्गों, इस कारवां को आपको मजबूत करना है। अगर हम में कोई कमजोरी है तो हमको आकर बोलिए, तलखीन करिए, समझाइए हमको, हम इंसान हैं, मगर खुदा के लिए अगर तुम मजबूत नहीं करोगे तो कौन करेगा? मैं किसके घर पर जाकर भीख मांगूं? मेरा हक बनता तुम्हारी दहलीज पर आकर तुमसे भीख मांगने के लिए कि देखो मैं तुम्हारे सामने आकर अपने लिए नहीं अपने मुस्तकबिल के लिए मेरा साथ। मेरे भाई अपने मुस्तकबिल के लिए, अपने रोशन मुस्तकबिल के लिए, अपने इतिहास के लिए, अपनी ताकत के लिए मल्ल सत्तेहाद और मुस्लिमीन का साथ दीजिए। वाखर दावाना अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन। हाजिरीन जलसा का कुलीन मजलिस इत्तेहाद मुस्लिमीन की जानिब से शुक्रिया अदा किया जाता है। आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया, आप लोगों ने इस जलसे को कामयाब रहा, शुक्रिया। चल मारो, आए कैमरा संभाल ले, कैमरा डाल दे।